दोस्तों नमस्कार प्रणाम सलाम। मैं शत्रुघ्न बाबा एक बार फिर से सिवान सिसवन ढाला के ठीक सामने लक्ष्मीपुर में है और यहाँ पे दो सांप निकले हुए। दो सांप ये जो देख रहे हैं ये टार के पेड़ का जो है मतलब डम्फू बोला जाता है ना। अच्छा एक सांप इसमें है और एक सांप उसमें है ना। जी जी अच्छा अच्छा तो आइए देखते हैं जो भी सांप होगा पहले देख लिया जाए, ये कंफर्म कर लिया जाए कौन सांप है। भैया लोग का कहना है कि सांप बहुत बड़े बड़े हैं ना भैया। जी जी अच्छा आप थोड़ा लोग पीछे एकदम दूरी बनाइए दूर से देखिएगा लोग है ना। ये को तो सांप हमें देख दिया है अंदर तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक सांप को हम लोग काफी सूझबूझ के साथ पकड़ लिए हुए हैं। और दोस्तों बता दें कि ये एक इंडियन रैट स्नेक है। तो दोस्तों बता दें कि इस सांप को लोग कहते हैं कि ये अगर पूछ से मार दे तो शरीर सड़ने लगता है, लेकिन ये सब अंधविश्वास है। ये सांप काटता है लेकिन इसके काटने से कुछ होता नहीं। और दोस्तों वो तेरी देख सकते ये कहा गया भाई तो दोस्तों फाइनली काफी मेहनत करने के बाद हम लोग पूरे ढूंढे लेकिन एक ही सांप था। और इसी सांप को हो सकता है भैया लोग दो बार देखे होंगे। और दोस्तों बता दें कि ये एक बिना जहर वाला सांप होता है, काटता बहुत तेज है। और इसका प्रथा हमारे गांव में है कि ये सांप अगर पूछ से मार दे तो शरीर सड़ने लगता है, ये सांप गाय भैंस का पैर छान के दूध पी जाता है। ये सब अंधविश्वास है। ये सांप ना ही गाय भैंस का दूध पीता है और ना ही इसके काटने से शरीर सड़ता है या पूछ से मारता है तो कुछ होता है। और दोस्तों इस सांप को हम लोग ले जाके पासी में खेत खलियान की तरफ छोड़ देंगे और फिर इसको ले जाके छोड़ेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। चलिए तो दोस्तों फाइनली इस सांप को हम लोग छोड़ने के लिए आ चुके हैं। और दोस्तों इस सांप को हम ज्यादा दूर नहीं बल्कि यहीं पे पासी में छोड़ेंगे। और वहां के लोगों का कहना था कि सांप दो गो है लेकिन सांप हमें एक ही गो मिला, तो इसलिए सांप को पास में ही छोड़ेंगे क्योंकि ये सांप तो ऐसे ही बिना जहर वाला है और इस सांप के काटने से कुछ होता नहीं है। और ये सांप अब काफी बढ़िया तरीके से बैठा हुआ है और आइए धीरे धीरे निकलने का प्रयास कर रहा है।
तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से यह सांप निकला और चला गया। दोस्तों इस सांप को हम लोग ज्यादा दूर नहीं बल्कि जहां से पकड़े वहां से कुछ ही दूर में पासी में ला के छोड़ दिए। दोस्तों ये सांप बिना जहर वाला था इसलिए इसको छोड़ दिया। और दोस्तों एक बात कहना चाहेंगे कि आप हमारा नकल ना कीजिएगा नहीं तो आपके साथ कहीं खतरा हो जाएगा। और दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्त चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप और आपके परिवार स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।